हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन देख रहे थे जो प्रीवियस ईयर के पीटी में पूछे जा चुके हैं, जिसमें हमने 66 बीपीएससी का पीटी क्वेश्चन जो भी बिहार स्पेसिफिक उन्हें देख लिया है। आज हम देखेंगे 65 को। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हेल्थ इंडेक्स 2019 में जो नीति आयोग निकाला था उसके ऊपर। तो इसकी हम देख लेते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने निकाला है 2021 में, जो कि जून में पब्लिश हुआ था। और इसमें जो टॉप परफॉर्म किया उसमें केरला था, और केरला का स्कोर था 75 आउट ऑफ 100। और जो वर्स्ट परफॉर्मर था वो था हमारा बिहार, और बिहार के जो स्कोर थे वो थे 52 आउट ऑफ 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कुंभ मेला। देखिए अगर हम 2021 की बात करें तो ये कृषि कुंभ मेला बिहार में अगवानपुर जो है सहरसा ज़िले में वहाँ पर आयोजित हुआ है। थर्ड क्वेश्चन जीएसडीपी का, तो हम इस साल की देख लेते हैं। अगर हम 2019-20 की बात करें, 2019-20 में जीएसडीपी जो हमारी करंट प्राइसेस पे थी वो थी 6,11,804 रुपये। और अगर 2020-21 की बात करें तो ये थी 6,85,797 करोड़। तो ये होगी दोनों करंट प्राइसेस पे हमारी जीएसडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ क्या रहा है हम इस ईयर के लिए देखेंगे। तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21 का, उस पर भी हमने वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 है उसमें जो टर्शरी सेक्टर की जो ग्रोथ हुई है वो है आपकी 8.5% की। और अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें, टर्शरी सेक्टर तो होगा आपका सर्विसेज रिलेटेड, जो प्राइमरी सेक्टर होगा आपका एग्रीकल्चर और लैंड रिलेटेड। तो प्राइमरी सेक्टर 3.6% से ग्रो किया। इसके अलावा आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो आपका ग्रो किया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री है, वो 8.2% से बिहार में ग्रो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंसस 2011 में चाइल्ड सेक्स रेशियो बिहार में कितना था। तो सेंसस 2011 में चाइल्ड सेक्स रेशियो था 935। और अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो हमारा 918। अब किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, तो हमें पता है गोपालगंज में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है 1021 का। और अगर हम लीस्ट की बात करें तो लीस्ट है आपका मुंगेर में, मुंगेर में कितना है आपका 876। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है। तो हमें पता है मुंगेर में कौन है, भीमा बांध। अगर वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें और टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ये आपका वेस्ट चंपारण में है। और गौतम बुद्धा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से पता चल रहा है, ये कहाँ पे होगा, गया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी होके गुजरती है। तो हमें पता है गंगा नदी 12 जिलों से होकर गुजरती है। बिहार में एंटर करती है आपके बक्सर से और एग्जिट करती है आपके भागलपुर से। और बाकी के 10 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आए देखते हैं। सबसे पहले आ गया बक्सर, फिर आपका आ गया भोजपुर, भोजपुर के बाद आता है सारण, सारण के बाद आता है पटना, पटना के बाद वैशाली, वैशाली से समस्तीपुर निकल जाती है, समस्तीपुर से आपके बेगूसराय, बेगूसराय से मुंगेर, मुंगेर से खगड़िया, खगड़िया से कटिहार, और कटिहार से आपके भागलपुर। तो ये 12 ज़िले हैं जो आप गंगा नदी जहाँ जहाँ से गुजरती है, ये आप एक बार नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट नहीं आते हैं धारवाड़ जोलॉजिकल फॉर्मेशन के अंडर। तो पता है धारवाड़ रॉक्स बिहार में कहाँ, आपके जो साउथ ईस्ट बिहार है वहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसमें से मुंगेर भी साउथ ईस्ट बिहार में, जमुई भी है, नवादा भी है, आपका रोहतास जो है वो साउथ ईस्ट बिहार में नहीं है। और देखिए धारवाड़ रॉक की खासियत क्या है, किससे बने रहते हैं, ये क्वार्टजाइट से बने रहते हैं, इसके अलावा ग्नीस से, इसके अलावा आपका शिस्ट से और आपका स्लेट से, इन सबसे मिलकर ये बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपके किस डिस्ट्रिक्ट की है। तो हमें पता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है, पटना की है। कितनी है, 1823 एज़ पर सेंसस 2011। अगर लीस्ट की बात करें तो है आपके कैमूर, और कैमूर की कितनी है हमें पता है, कैमूर की है 488। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस जिले में गंगा नदी की जो लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ये पटना में है लगभग 99 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा एरिया है डेसीडियस फॉरेस्ट कवर के अंडर। तो हमें पता है पश्चिम चंपारण, जहाँ पे हमारा वाल्मीकि नेशनल रिजर्व पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल्टीवेटर्स को भी एनसीएम के दौरान बिहार में किसने लेट किया था। देखिए कल्टीवेटर्स को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम स्वामी विद्यानंद जी ने लीड किया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के रिवॉल्ट को बिहार में किसने लीड किया था, सबको पता है, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी वीर बड़ा मर्दाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल बिहार में किसने इस्टेब्लिश किया था। देखिए अगर स्वराज दल की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह जो कि पहले हमारे सीएम भी रहे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी हम जानते हैं।
और लेकिन दूसरे विहार विभूति जो कि थे अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो श्री कृष्ण सिंह जी ने स्वराज दल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीट होता है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में किस साल में अपनी फैक्ट्री लगाई थी? तो ये हमें पता है 1632 में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसने स्थापित की? वो थे आपके स्वामी शारदानंद सरस्वती, जिन्होंने 1929 में BPKS की स्थापना की। इसके अलावा देखिए, एक किसान सभा ऑर्गेनाइज हुई थी, किसान सभा आपकी कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी? मुंगेर में 1922 में, वो की थी आपके मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह जी ने। ये 1922 की बात है। इसके अलावा जो बिहार किसान सभा है वो आपकी 1933 में इस्टेब्लिश हुई थी, और अखिल भारतीय किसान सभा वो आपकी 1936 में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने भी इसकी स्थापना की थी। आपको पता है लखनऊ अधिवेशन में, स्वामी सहजानंद सरस्वती पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, आप उन्हें देख लीजिए। मेंस में भी इम्पोर्टेंट और प्री क्लियर में इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इनकी वीकली थी हुंकार, हुंकार वीकली थी, ये 1940 में निकलती थी, और ये जो था एक माउथ पीस था, जो इंडियन पीजेंट हैं उनके, इंडिया जो एग्रेरियन मूवमेंट है इंडिया का, या बिहार का एग्रेरियन मूवमेंट कह लीजिए, तो उसका माउथ पीस था हुंकार। आइए शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार। तो मॉडर्न बिहार के क्रिएटर जो हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को आप ऐसे भी जानते होंगे, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके ये इंटरिम प्रेसिडेंट भी थे। और ये क्योंकि ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे, इसलिए जो है इन्हें इंटरिम प्रेसिडेंट भी बना दिया गया था। फिर इनके बारे में कहानी मशहूर है, यही थे पहले आदमी जिन्होंने सेपरेट बिहार के लिए मूवमेंट की नींव रखी थी। एक बार ये जैसे ये लंदन में गए थे, यहाँ लंदन से लॉ करने, तो उनसे एक अंग्रेज ने इन्हें इंडिया का मैप दिखाया, उन्होंने बताया कि हम बिहार के हैं, तो उन्होंने इन्हें इंडिया का मैप दिखाया और पूछा इसमें दिखाओ मुझे बिहार कहाँ पे है, क्योंकि उस टाइम बिहार जो था वो बंगाल का पार्ट था। तो इन्हें बड़ा बुरा लगा कि इनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। एक बार ये पंजाब जा गए थे, तो वहाँ पे एक पंजाबी ने पूछा कि बिहार कहाँ है, तो वहाँ पे पंजाब जो रेलवे स्टेशन था वहाँ पर जो बिहार का ही एक सिपाही था, लेकिन वो बंगाल पुलिस की वर्दी में था। तो इन्हें उस टाइम बड़ा बेकार महसूस हुआ कि हमारी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, इसलिए इन्होंने बिहार के लिए मूवमेंट शुरू किया, और बिहार जो सेपरेट स्टेट बना वो इन्हीं की ही देन थी। जो बिहार टाइम्स, द बिहार टाइम्स जो है, बिहार टाइम्स आपके जिसके एडिटर थे आपके महेश बाबू, महेश नारायण जी, वो इनके ही चेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हमारे मतलब का नहीं है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का आपका टैगलाइन क्या है? तो टूरिज्म इन बिहार का हमारा एक वीडियो बना हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप देख लीजिए, उसमें प्री के भी क्वेश्चन आएंगे, आपके मेन्स के भी क्वेश्चन आएंगे। इसका नाम है ब्लिसफुल बिहार, तो ये आप देख लीजिए हमारे वीडियो सेक्शन में जा करके। यूसुफ शाह चक, ये कश्मीर वैली के लास्ट मुस्लिम रूलर थे, और इन्हें अकबर ने जो है बिहार में एग्जाइल के लिए बंगाल में भेज दिया था। तो इनकी जो कब्र कहाँ पर है, तो इनकी कब्र जो है वह आपकी नालंदा में एक बिस्वाक विलेज है, बिस्वाक गांव, वहाँ पे इनकी कब्र है, या बिस्वाक कह सकते हैं। किस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला बिहार को? इस पे भी हमारा एक वीडियो है, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्यों नहीं मिला, इसका रीज़न। बिहार दिवस जो कि हम मार्च 22 को मनाते हैं हर साल, उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इससे पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अगर 66 क्वेश्चन आपने देखा हो तो आप बता सकते हैं। चीफ जस्टिस जिसने, तो ये तो कोई मतलब नहीं, हम प्रेजेंट चीफ जस्टिस का नाम देख लेते हैं, कौन है हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस? नहीं, आप हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं वो हैं आपके जस्टिस संजय करोल, पटना हाई कोर्ट के। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, अंबारी सत्याग्रह 1939 वो किसने लीड किया था? तो अंबारी सत्याग्रह से रिलेटेड हैं आपके ये राहुल संकृतायन जी। राहुल संकृतायन ये फादर ऑफ इंडियन ट्रेवलॉग यानी यात्रा वृतांत के जनक भारत में, इन्हीं को कहा जाता है या फादर ऑफ इंडियन ट्रेवलॉग। तो ये 6 महीने करीब इस अंबारी सत्याग्रह में जेल में भी रहे, और इनका असली नाम जो था वो था केदारनाथ पांडे, लेकिन बाद में बहुत भिक्षु बन जाते हैं, उन्होंने अपना नाम चेंज करके ये लिख लेते हैं राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सॉल्ट सत्याग्रह भागलपुर में किसने लीड किया था? तो भागलपुर का जो सॉल्ट सत्याग्रह था वो था महादेव लाल शराब द्वारा लीड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में
किसने फाइन की? देखिए, जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी है वो आपके 1931 में आपके ये फूलन प्रसाद वर्मा और किसके अंडर गाइडेंस ऑफ जेपी, जो आपके थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन को खोल दिया था, उनके अंडर, लोकनायक जी के अंडर। और इसमें 28 ही क्वेश्चन थे, और जो लास्ट क्वेश्चन था वो आपका, हु वॉज द एडिटर ऑफ सर्च लाइट न्यूज़पेपर इन बिहार? तो बिहार में जो सर्च लाइट न्यूज़पेपर था उसके जो एडिटर थे वो थे आपके मुरली मोहन प्रसाद जी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लें, और आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।